और खबर शामिल करें कि मीरपुर खास शहर में बढ़ती हुई महंगाई, सिविल अस्पताल में सहूलत ना होना, महंगाई और दीगर मसाइल पर शहरियों ने डेप्यूटी कमिश्नर मीरपुर खास के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ उबैदुल्ला कोरी। जी उबैदुल्ला, आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास प्रेस क्लब के आगे, और जहाँ आप देख रहे हैं कि उसूल इंसाफ कमेटी की जानिब से जो है यहाँ पर जो ज़िला इंतजामिया और उसके अलावा सिविल अस्पताल में जो रेफर सेंटर इशाए खुर्दनोश की कीमतों में महंगाई और उसके अलावा जो है मिलावट की चीज़ें जो और दीगर इशू पर जो है यहाँ पर उसूल इंसाफ कमेटी की जानिब से जो है एहतजाज किया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ एक जो है रहनुमा मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं, वो हमें क्या बताते हैं। सर आपके आज के एहतजाज का बताइएगा हमें। सर मीरपुर खास की आवाम के साथ बे इंतहा नाजायजियाँ की जा रही हैं, बे इंतहा नाजायजियाँ। वो नाजायजियाँ यहाँ की इंतजामिया के हवाले से हैं। यहाँ पे हमारी सिविल हॉस्पिटल को आप देख लें मीरपुर खास में, वहाँ पे मरीज़ों को कोई भी सहूलत फराहम नहीं की जाती। वहाँ पे एक रेफर सेंटर उन्होंने बनाया हुआ है कोई। इसके अलावा हमारी यहाँ पर सब स्टार ऑफिस जो है वहाँ पर अगर कोई रजिस्ट्री करवाने जाता है अपनी प्लाट की, तो गवर्नमेंट के टैक्सेस के अलावा 5 से 8 हज़ार रुपये की रिश्वत ली जाती है। रिश्वत यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उन्होंने क्या किया हुआ है कि घंटों की रजिस्ट्री पे जो है पाबंदी आयद कर दी है। इशू डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास के लिए हो रहा है, जिसने अपना नादरशाही हुक्म जारी किया, जिसमें उसने सेल्स सर्टिफिकेट घुंड का बंद किया। उस घुंडे के सेल्स सर्टिफिकेट हमारे को ये नुकसान होता है कि बाहर के आदमी आते हैं, 4 साल की किस्त के पैसे पेमेंट लेके चले जाते हैं, भाग जाते, किसी को रजिस्ट्री नहीं मिलते। अगर ये सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन मसाइलों को फौरी तौर पे हल करें, वरना अदरवाइज़ मरकज़ी अंजुमन ताजरान भी, ताजिर बरादरी भी मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज करेगी, और एहतजाज के बाद जो नुकसान होंगे और जो इसका रैक्ट आएगा उसकी तमाम तर जवाबदारी मीरपुर खास ज़िला इंतज़ामिया की होगी। जी आपने इन मुजाहरीन की बात सुनी, इनका ये कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है घुंटों ज़मीन जो होती है प्लाट, उन पर जो बंदिश की गई है, जो सिंध के किसी ज़िला में नहीं है, सिर्फ सिर्फ मीरपुर खास में। उसके अलावा जो मीरपुर खास के दीगर इशू है, वापडा और सिविल अस्पताल और दीगर इशू है, उनके खिलाफ जो है इनका ये भरपूर एहतजाज था। इनका मुतालबा था कि हमारे मुतालबात फिलफौर माने जाए, दूसरी जानब एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया उबैदुल्ला कौरी अपडेट करने के लिए।